वो बुला रहा है हमें, वो बुला रहा है हमें, वो बुला रहा है हमें, वो बुला रहा है हमें। आओ चले मिल के चले, संग संग गाती बजाती चले, आओ चले मिल के चले, संग संग गाती बजाती चले। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा, वो बुला रहा है हमें, वो बुला रहा है हमें, वो बुला रहा है हमें, वो बुला रहा है हमें। संजीवन जल पीने बुला रहा, अमृत पान करने बुला रहा, संजीवन जल पीने बुला रहा, अमृत पान करने बुला रहा। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा, वो बुला रहा है हमें, वो बुला रहा है हमें, वो बुला रहा है हमें, वो बुला रहा है हमें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आदरणीय फादर्स, सिस्टर्स, भाइयों, बहनों, बच्चों, आज पूरे विश्व में प्रभु यीशु क्रिस्त राजाओं का राजा का त्योहार मना रहे हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त के मृत्यु के अवसर पर उनके सूली के ऊपर पिलातुस ने यह लिखित रखा था, यीशु नाजरी यहूदियों के राजा। जब यीशु को पिलातुस ने उसके सामने खड़े होकर उसे पूछा था, आप राजा हो, उन्होंने स्वीकार किया था, मैं राजा हूँ, लेकिन मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी उसी राजा के चेले हैं, प्रजा हैं, जिनको हमने अपने दिल में स्वीकार किया है। यह सांसारिकता का राजा नहीं है, संसार के राजाओं के समान नहीं है, वो लोगों के दिल में राज करता है। जब हम आज उनका त्यौहार मनाते हैं, हम अपने से पूछ सकते हैं, क्या सचमुच वे हमारे दिल में राज करते हैं? हमारे दिल में हमने उसको जगह दिया है, प्रथम स्थान दिया है, उन्हें उनके अधिकार को हम स्वीकार करते हैं? अगर हमारी ओर से कमियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, तो आइए भाई बहनों, हम प्रभु से और भाई बहनों से क्षमा मांगें, ताकि हम प्रभु के राजत्व को अपने जीवन में स्वीकार करें और उनको अपना सचमुच राजा मान सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप प्रभु के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सब संतों और आप लोगों से
हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभुवर हम पर दया करो प्रभु दया करो, प्रभुवर हम पर दया करो प्रभु दया करो, हम है पापी द्वार खड़े दूर कर दो पाप हमारे, हम है पापी द्वार खड़े दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। प्रभुवर हम पर दया करो प्रभु दया करो, प्रभुवर हम पर दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो। महिमा 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 ऊंचे नब में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नब में महिमा, धन्य धन्य कहते गुण गाते धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं तेरी स्तुति सब गाते हैं, महिमा 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 ऊंचे नब में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है, यीशु क्रिस्त इकलौते पुत्र है तेरा गुण सब गाते हैं, महिमा 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 ऊंचे नब में महिमा। जगत के सारे पाप के हार हम पर दया तू रखना सदा, पिता के दाएं विराजता तू विनती हमारी सुन ले प्रभु, महिमा 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 ऊंचे नब में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है पावन तू ही प्रभु है, पिता की महिमा सर्वोपरि है तेरी महिमा होती रहे, महिमा 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 ऊंचे नब में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नब में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन ईश्वर, तेरे पुत्र ख्रिस्त सारी सृष्टि के राजा हैं, तेरी इच्छा है उन्हीं में सब कुछ का नव निर्माण हो, ऐसी कृपा कर सारी सृष्टि दासता के बेड़ियों से मुक्त होकर निरंतर तेरी सेवा और महिमा करती रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
प्रभु आपके जीवा होठों में हो ताकि आप प्रभु की वाणी योग्य रीति से सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ, नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 13 और 14। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसकी राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। शांति का राजा है तू, मुक्ति का दाता है तू, हर मानव का दिल का दुलारा है तू। शांति का राजा है तू, मुक्ति का दाता है तू, मानव का दिल का दुलारा है तू। तेरे दास की सुन ले पुकार, आया हूँ मैं प्रभु तेरे द्वार। तेरे दास की सुन ले पुकार, आया हूँ मैं प्रभु तेरे द्वार। पानी वैदी प्रभु तेरी आज्ञा निभानी, शांति का राजा है तू, मुक्ति का दाता है तू, हर मानव का दिल का दुलारा है तू। दूसरा पाठ, प्रभु यीशु ने सभी विश्वासियों को अपने कार्य के सहयोगी बनाया है, इसलिए वे महायाजक से संयुक्त होकर याजकों के राजवंश के सदस्य हैं। इसके अनुसार उन्हें अपने समस्त जीवन के साक्षी द्वारा यीशु की शिक्षा का प्रचार करना चाहिए। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है, पृथ्वी के राजाओं के अधिराज ने हम याजकों का राजवंश बना दिया है। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को कृपा और शांति प्रदान करें। वह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहलोटे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज हैं। वह हमको प्यार करते हैं, उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया है और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बना दिया है। उनकी महिमा और उनका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहे, आमीन। देखो, वही बादलों पर आने वाले हैं, सब लोग उन्हें देखेंगे, जिन्होंने
उनको छेदा है, वे भी उन्हें देखेंगे और पृथ्वी के सभी राष्ट्र उन पर विलाप करेंगे, यह निश्चित है। आमीन। जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, मैं हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। नव संदेश सुनो, सुनो रे खबरें नई सुनो, यीशु राजा है, राजा शासक दुनिया के। नव संदेश सुनो, सुनो रे खबरें नई सुनो, यीशु राजा है, राजा शासक दुनिया के। उसको गाओ हालेलुया, हालेलुया, आमीन। उसको गाओ हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा, तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्रित किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया, हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया, कब आपको बीमार अथवा बंदी देखा और आपसे मिलने आए। राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वह अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितो मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के द्वारा तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया,
मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर वे उनसे पूछेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा प्यासा परदेशी नंगा बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में किसी एक के लिए नहीं किया वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया, और वे अनंत दंड भोगने जाएंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आदरणीय फादर्स सिस्टर्स भाइयों बहनों बच्चों, क्रिस्त राजा के त्यौहार के इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग प्रभु यीशु के इस राजत्व को स्वीकार करते हुए यह त्यौहार मनाने के लिए आज यहाँ जमा हुए हैं। पूरे विश्व में अभी राजाओं का राज समाप्त हो गया है, हमारे देश में भी कोई राजा आज राज नहीं करते हैं। हाँ जरूर इंग्लैंड में एक राजा है, लेकिन उनका नाम मात्र के लिए ही वो राजा हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है। प्रजातंत्र पूरे विश्व में आज चल रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में क्या आज प्रभु यीशु को राजा मानकर उनका राजत्व का त्यौहार मनाने में कोई प्रसंग है? क्या वे सचमुच राजा थे? अगर हम धर्म ग्रंथ में देखते हैं तो हम उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके राजत्व हम देख सकते हैं। उनके जन्म के समय पर पूर्व देश से ज्ञानी लोग उनके पास आए थे और यरूशलेम में उन्होंने ये पूछताछ की, नवजात यहूदियों का राजा कहाँ है? ज्ञानी लोग समझ गए कि एक नवजात राजा यरूशलेम में जन्म लिया है। प्रभु यीशु के सेवा काल में वे जब यरूशलेम नगर में बड़े धूमधाम से प्रवेश करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने सोच समझ कर तैयारी की। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जाओ फलाने जगह पर एक गधा मिलेगा, उसको लेके आओ और यीशु उस पर सवार होकर यरूशलेम नगर में प्रवेश किया। ये प्रतीक था उनका राजत्व क्या है। अगर वे सांसारिकता के एक राजा होता तो घोड़े के ऊपर सवार होता, एक साधारण गधे के ऊपर जो विनम्रता का परिचायक है उस पर सवार होना एक ऐसे राजा का अर्थ देता है जो सांसारिकता से कोसों दूर है। जब उन्हें सूली पर टंगाया गया था उस निस्सहाय अवस्था में उनके सूली के ऊपर ये लिखा हुआ था, येजू नाजरी यहूदियों का राजा। एक राजा की गद्दी सूली के ऊपर ये सांसारिक राजाओं से कोसों दूर है। उन्होंने खुद स्वीकार किया था पिलातुस के सामने, मेरा राज इस संसार का नहीं है। उनका राज एक ऐसा संसार का है जहाँ पर
लोग उनको अपने दिल में राजा मानते हैं। उनके समय भी और आज भी आप सभी उनको अपने दिल में राजा मानते हैं। उनके समय में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे, ज्ञानी थे, पंडित थे और शासक थे, जिन्होंने उन्हें नहीं स्वीकारा, जिनके लिए वे राजा नहीं थे। आज भी ऐसे हैं, विकल्प हमारे सामने हैं। ऐसे एक राजा को स्वीकार करना जो सांसारिकता से कोसों दूर है। आज के पहले पाठ में नबी दानियल के उस दर्शन को हमने देखा, जहां एक ऐसा मानव पुत्र वयोवृद्ध के पास पहुंचकर उनको प्रभुत्व सम्मान और राजत्व दिया गया था। ये उस दिन का दृश्य है संसार के अंत में, जब प्रभु यीशु सारे विश्व का राजा माना जाएगा। आज के दूसरे पाठ में भी हमने सुना प्रकाशना ग्रंथ से, संत योहन एक दृश्य देखता है और वहां उन्होंने ये देखा और उन्होंने लिखा है, उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बना दिया। अगर हम याजकों का राजवंश है और उन्होंने हमें बनाया है तो हमारा राजा है। कैसे वे हमारा राजा बने? अपने रक्त से उन्होंने हमें जीत लिया है। जब हम शैतान के फंदे में थे, पाप के बेड़ियों से ग्रसित थे, उस समय हमारे लिए उन्होंने मृत्यु स्वीकार किया, उन्होंने हमारे लिए दुख भोगा और मृत्यु अब पाप को, शैतान को पराजित करके हमें उन्होंने जीत लिया है। अगर हम उन्हें और उनके इस मुक्ति कार्य को स्वीकार करते हैं तो ये हमारा राजा है, और इस राजा हमसे कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, जिसके बारे में आज के सुसमाचार में हमने सुना है। उन्हीं के समान दीन दुखियों के, निस्सहायों की, पद दलितों की सेवा करें और उनके दिलों को जीते। संसार के अंत में जब वो राजा हमारे सामने खड़े होंगे, हमें लेखा देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा कि हमने क्या किया है। क्या हमने उनके समान भूखों को खिलाया, प्यासों को पिलाया और नंगों को पहनाया, जिनके आवास नहीं है उनको अपने यहाँ ठहराया? ऐसे बहुत सारे जो संसार में पीड़ित है, दलित है, ऐसे लोगों को अपनाया, इसी के आधार पर उनके राज्य के सदस्य होने का वह पद हमें प्राप्त होगा। प्यारे भाइयों बहनों, चुनौती हमारे सामने है। उस राजा को अपनाना, हमारे दिल में जगह देना और जो शिक्षा उन्होंने हमें दी है उसको अपनाते हुए उस पर चलना। अगर हम उस पर चलते हैं और उनको हमारे दिल का राजा मानते हैं तो ज़रूर हम भी उस राज्य के सदस्य होने का गौरव प्राप्त करेंगे। हमें ज़रूरत है उस राजा को अपनाना जो अपने दिल के विनम्रता से, गरीबों की सेवा से और सबों की मुक्ति के लिए त्याग सहकर, दुख सहकर बचाया है, उनका अनुकरण करना। हमारे जीवन में भी क्लेश, दुख, तकलीफें सब आती हैं, क्या हम उनके समान नम्रतापूर्वक उसे स्वीकारें और हमारी मुक्ति के लिए और लोगों की मुक्ति के लिए, भाई बहनों की मुक्ति के लिए उनको
आशीष दिलाने के लिए उनको अपनाते हैं तो जरूर हम उन्हीं के रास्ते पर हैं। यह त्यौहार हम आज मना रहे हैं प्रासंगिक है जब हम उनको इस सांसारिकता से हटकर अपने जीवन का अपने दिल का राजा माने। उन्होंने लोगों को और उनके दिल को जीता है, ये कोई लड़ाई से नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, किसी के ऊपर धोखने की बात नहीं, उन्होंने दिल जीत लिया है। प्यारे भाइयों बहनों, दिल का राजा है। आइए, संत पिता पीयूष 11वें ने जो त्यौहार 1925 में पूरे विश्व के लिए स्थापित किया था, इसी उद्देश्य से था कि वे लोगों के दिल में राज करें। वो ऐसा एक प्रसंग था जब लोगों के दिल से ईश्वर पर आस्था हट रही थी और उसको पुनः स्थापित करने के लिए उन्होंने यह त्यौहार स्थापित किया। आज भी हमारे लिए यह प्रासंगिक है क्योंकि हमारे दिल से जब ईश्वर दूर हट जाता है हमें उन्हें वापस लाने की ज़रूरत है। आज के ये परिप्रेक्ष्य में पिछले 2 सालों से हम ईश्वर की ज़रूरत को भली भांति समझ लिया जब कोरोना पूरे विश्व को झकझोर कर दिया। सब लोग अपने अपने विश्वास के अनुसार ईश्वर को पुकारने लगे। सांसारिकता से हटकर हमारी कमजोरियों को हमने स्वीकार किया। तो आज भी ज़रूरत है ईश्वर की, आज भी ज़रूरत है उस यीशु की जो हमको जीता है, हमारे दिल को जीता है। आइए हम अपने जीवन को उनको समर्पित करें, उनकी शिक्षा पर चलें और जैसे उन्होंने सिखाया है उसको पालन करते हुए एक दिन उनके दाएं खड़े होने के लिए हम अवसर पाए। हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और दृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता, एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वो ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हमेशा के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है, वह पिता और पुत्र से प्रसन्न होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है, मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बात जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, हम विश्व के राजा प्रभु यीशु क्रिस्त के आदर और सम्मान में महोत्सव मना रहे हैं। यीशु क्रिस्त सचमुच विश्व के राजा हैं, अतः हम उनके माध्यम से अपने सब आवश्यकताओं को पिता ईश्वर के समक्ष रखकर उससे प्रार्थना करें और कहें, हे पिता तेरा राज्य आए, हे पिता तेरा राज्य आए।
हम पवित्र कलीसिया के संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे प्रभु क्रिस्त के इस राजत्व तथा प्रभुत्व के विषय में सभी क्रिस्तीय विश्वासियों को यह जानकारी या एहसास करा सके कि क्रिस्त के समस्त विश्व के राजा हैं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, तेरा राज्य आए। कलीसिया के सभी विश्वासी और विश्व के आम लोग अपनी मानवीय को पहचान सके और ईश्वर की शक्ति और महिमा का एहसास कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, तेरा राज्य आए। हम सभी क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे यीशु क्रिस्त को अपना राजा माने और उनके अधीन रहकर उनकी शिक्षा तथा आदेश अनुसार जीवन बिताए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, तेरा राज्य आए। हम दुनिया के सभी नेताओं व शासकों के लिए प्रार्थना करें कि वे प्रभु यीशु से प्रेरणा लेकर अपने देशवासियों या नागरिकों की दयालुता, विनम्रता तथा सहनशीलता से निस्वार्थ सेवा तथा भलाई कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, तेरा राज्य आए। हम इस पवित्र बलि समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम क्रिस्त राजा पर्व के इस महोत्सव के अवसर पर यीशु क्रिस्त से प्रेम और शांति प्राप्त कर सच्चे व अनंत आनंद का अनुभव कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, तेरा राज्य आए। हम पूरे विश्व के लिए, विश्व के सभी पीड़ित लोगों के लिए, विशेष रूप से कोरोना महामारी के द्वारा आज भी दुख झेल रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें कि वे सभी यीशु की उस शक्ति और महिमा को स्वीकार करते हुए उसी से चंगाई पाए और अपने दुख तकलीफों से मुक्त हो जाए, के लिए प्रार्थना करें। हे पिता, तेरा राज्य आए। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, अपने स्वर्ग राज्य की स्थापना करने और अपने पुत्र यीशु को राजा बनाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे राज्य में हम सुख शांति और सुरक्षित महसूस कर सके, इसके लिए हम अपनी विशेष कृपा आप प्रदान कीजिए। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हमारे उपहारों को स्वीकारो भगवन, जिसे हम तुम्हारे चरणों में अर्पित करते हैं। गेहूं से बनी रोटी के साथ जीवन भी लाते हैं, अंगूर रस के प्याले के साथ प्यार भी लाते हैं। हमारे जीवन को ले ले तू प्रभु जी, नूतन तू कर दे। हमारे जीवन को ले ले तू प्रभु जी, नूतन तू कर दे। आशीष दे दे उपहार ले ले, आशीष दे दे उपहार ले ले, आशीष दे दे उपहार ले ले, आशीष दे दे उपहार ले ले। हमारे उपहारों को स्वीकारो भगवन, जिसे हम तुम्हारे चरणों में अर्पित करते हैं। हमारे उपहारों को स्वीकारो भगवन,
हम तुम्हारे चरणों में अर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं। भाइयों बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु हम तुझे यह बलि अर्पित करते हैं, इसके द्वारा सारी मानव जाति तुझसे मेल मिलाप करती है। हमारी दीन प्रार्थना है कि तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त सब राष्ट्रों को एकता और शांति का वरदान दे और युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तूने आनंद के तेल से अपने एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को शाश्वत पुरोहित और सारी सृष्टि के राजा अभिषिक्त किया, ताकि वे निष्कलंक तथा शांतिदायक बलि स्वरूप में स्वयं को क्रूस की वेदी पर अर्पित करके सारी मानव जाति का उद्धार करें और सारी सृष्टि के स्वामी बनकर शाश्वत तथा सर्वव्यापी राज्य, सत्य तथा जीवन का राज्य, पवित्रता तथा कृपा का राज्य, न्याय प्रेम और शांति का राज्य तेरे चरणों में सौंप दे। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। ऊंचे स्वर्ग में दूर सेना प्रभु की महिमा गाती है, ऊंचे स्वर्ग में दूर सेना प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है, सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। धन्य है वे जो निष्दिन प्रभु की महिमा गाते हैं, धन्य है वे जो निष्दिन प्रभु की महिमा गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है,
सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर और रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माधिष्ठा को और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा,
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र ख्रीस्त सारी सृष्टि के राजा हैं, उन्हीं की आज्ञाओं का पालन करना हम सबका सौभाग्य समझते हैं। अमर जीवन का यह भोजन ग्रहण करके हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तेरी दया से हम भी उन्हीं प्रभु के साथ अनंत काल तक स्वर्ग राज्य में निवास कर सके। वो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और आप लोगों में मुक्तिदायी प्रज्ञा उत्पन्न करे। वह आप लोगों को विश्वास के अनुसार जीने की कृपा और धार्मिक कार्यों में उत्साही बने रहने का बल प्रदान करे। ईश्वर आप लोगों के कदम अपनी ओर अग्रसर करें और आप लोगों को शांति तथा प्रेम के मार्ग पर ले चले। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। यज्ञ हुआ संपन्न, ईश्वर को धन्यवाद।
राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, हे पिता तेरी महिमा, हे पिता तेरी महिमा, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, हे कृष्ण तेरी महिमा, महिमा, हे कृष्ण तेरी महिमा, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, हे आत्मा तेरी महिमा, हे आत्मा तेरी महिमा, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो,